आदाब, मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज आईएमए के केस का हियरिंग था और उसका अपडेट लेने के लिए ताहिर भाई आ चुके हैं। तो ये ताहिर भाई से पूछते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट लेके आए। आज हियरिंग में क्या हुआ? देखिए, आज जो हियरिंग थी उस हियरिंग में आईएमए से रिलेटेड सिर्फ इतना हुआ है कि आईएमए का जो अभी क्लेम फॉर्म आया नहीं है उसके बारे में कोर्ट ने डिटेल पूछा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, क्योंकि आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिटेल देना था मगर उसने डिटेल नहीं दी। तो क्लेम फॉर्म के लिए क्या है, कब आप कब क्लेम दे रहे हो बोल के 22 नवंबर के लिए दोबारा पोस्ट किया रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ जो लोग थे, जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने एक सबमिशन क्या किया कि जो लॉ के हिसाब से 30 डेज़ टाइम है उसको, तो लॉ इसको थोड़ा एक्सपेंड कोर्ट के ऑर्डर से थोड़ा एक्सपेंड होना, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग हैं और हज़ारों लोगों को इतने कम पीरियड में नहीं हो सकता बोल के ये। मगर एज ऑन टुडे कोई क्लेम फॉर्म होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉल फॉर नहीं किया है, तो वो एज़ पर लॉ करेंगे। तो लॉ उसमें 30 डेज़ बता रहा है, मगर जो कुछ एडवोकेट्स ने बोला था कि ये 30 डेज़ के अंदर जो पीरियड है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना, क्योंकि सारे लोग इसे अप्लाई कर सकें। दूसरा आज क्या हुआ कि क्योंकि जो सारी कोर्ट पिटिशंस में कनेक्टेड है बहुत सारी, तो इंजाज से रिलेटेड केस में आज बहुत सारा कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, जिसमें कोर्ट ने देखा कि सिर्फ 25 अक्टूबर के दिन ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किए और सिर्फ ये इंजाज अब एज ऑन टुडे इंजाज एम्बिडेंट और आईएमए के केसेस के ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, और जो दूसरी पॉन्जी कंपनीज़ हैं उनके बारे में कुछ भी हुआ नहीं है। तो कोर्ट ने देखा, डायरेक्शंस दिए कि इन सारी कंपनियों के बारे में जो है गवर्नमेंट नेक्स्ट डेट में डिटेल देना। ये आज इतना बेसिकली हुआ। और आईएमए से जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस की कोई रिपोर्ट सीबीआई ने सबमिट नहीं की वो, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट भी जो थी आनी चाहिए थी वो आज भी नहीं आई। और सिर्फ इसलिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि ये जो क्लेम के लिए जो नोटिफिकेशन देना है वो 22 नवंबर तक हो। तो मैंने भी इससे बीच में दौरान जब बात की थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो उन्हें क्या बोला था कि हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मेट सब गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए दिए हैं, कोर्ट से अप्रूवल लेके हम लोग फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक नवंबर में हम लोग करेंगे इसको बोल के उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जो डायरेक्ट इसके बारे में बताया गया था। तो ज़्यादा कुछ अपडेट आया? ज़्यादा खास उसमें अपडेट हुआ नहीं। ठीक है, तो ये लग रहा है कि आपको दिसंबर तक ये फॉर्म आएगा, क्लेम फॉर्म नवंबर तक आ जाएगा, नवंबर के महीने में आ जाएगा, नवंबर के एंड तक आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब ये बताइए कि आप जो फिर से अटैच होना चाह रहे थे इस केस में, उसका क्या हुआ? नहीं देखिए, मैं इस केस में अटैच होना नहीं चाह रहा था। मैंने एक अलग से एक पिटीशन फाइल की थी विक्योरस लाइबिलिटी के बारे में। तो विक्योरस लाइबिलिटी का मैंने बीच में सबमिशन भी किया था, कोर्ट ने बोला था उसको लिस्ट करो बोल के, मगर आज लिस्ट नहीं हुआ। मैंने फिर आज सबमिशन किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया लिस्ट हो, मगर कोर्ट ने क्वेश्चन क्या रेज किया कि तुमने ऑलरेडी इससे पहले एक पिटीशन फाइल की थी पार्टी इन पर्सन, अब तुम कैसे पिटीशनर के मैं आप फाइल कर रहे हो, इट विल गो अगेंस्ट योर ओन कैरियर बोल के उनका कंसर्न वो था। तो मैंने बताया कि भाई मेरा जो है अर्ली जो मैंने फाइल की थी पर्सनल कैपेसिटी से की थी, और मेरे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी एक्यूज़ के लिए इसमें अपेयर हुआ नहीं हूँ, और हमेशा जो मैं अपेयर होता हूँ किसी भी लेवल पे, मैं या तो डिपॉजिटर्स के लिए अपेयर हुआ हूँ या विक्टम्स के लिए अपेयर हुआ हूँ, तो मेरा कोई कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है। तो कोर्ट ना विल सी दैट, कोर्ट ने ही बोला कि भाई तुम्हें हम लोग विल सी, अगर तुम्हें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया तो हम लोग आपको बार काउंसिल को रेफर करें। मैंने कहा इट्स नो इशू एट ऑल, आई विल कन्विंस द कोर्ट बार ये कि मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं है। नहीं है तो ये जो केस आप करना चाह रहे हैं ये आप किसी फ्रेंड के थ्रू या कोई और लॉयर के थ्रू अटैच नहीं कर सकते? देखिए हज़ारों तो लॉयर हैं, हज़ारों लॉयर, और मेरे जितने भी कॉन्फिडेंट जो दोस्त थे, जो लोग समझता था मैं अच्छे, वो सारे अक्यूज़ के बारे में या अक्यूज़ की तरफ से किसी ना किसी कैपेसिटी में अपेयर हो रहे हैं। अच्छा, और मेरा जो मकसद है करने का, मेरा मकसद इससे कुछ पैसा कमाना नहीं है, मुझे इसमें कुछ नाम कमाना नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद क्या है कि लोगों को सही रिलीफ दिलाना। जैसे आपको मालूम है KPID एक्ट का जो लॉ के मेरी पिटीशन के बाद लोगों को मालूम चला KPID एक्ट लॉ है, क्योंकि आईएमए में लगने के बाद ही पता चला, क्योंकि बाकी कोई पॉन्जी स्कीम में अभी तक नहीं लगा नहीं था। तो KPID एक्ट के जरिए अब तक क्या है, KPID का जो भी प्रोसीजर चल रहा है, चाहे स्लो चल रहा है चाहे फास्ट चल रहा हो, उसमें जो डिपॉजिटर को सिर्फ और 30 या 35% ही रिकवरी हो सकती है। तो मेरा क्या मकसद है कि अगर मैं विक्योरस लाइबिलिटी का केस को अगर कोर्ट को मैं कन्विंस करने में कामयाब हो गया, तो जो रिमेनिंग पैसा है यानी 60 या 65 to 70% वो भी कोर्ट के गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को मिलेगी, तो इससे डिपॉजिटर को बहुत फायदा होगा। और ये कौन आदमी का सर जिसको कम्युनिटी का कंसर्न हो, जिसको लोगों का कंसर्न हो? तो ये जो एडवोकेट्स होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, इन लोगों को ज़्यादा कंसर्न नहीं होता कोई, जो आप जाओ उनसे कन्विंस करो, उनको फीस दो, उनको रिक्वेस्ट करो। कंसर्न वाले एडवोकेट भी रहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं ही अकेला कंसर्न वाला हूँ, मगर ऐसे लोग बहुत कम है। और अब तक जो है सिर्फ कर्नाटका का इशू है,
ऑल ओवर इंडिया में कभी भी विक्योरियस लाइबिलिटी के ऊपर किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं। तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, अगर मैं एफर्ट से कुछ भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकला, चाहे वो IMA के ऊपर निकला यहाँ पर, तो इसका फायदा हर पोंजी स्कीम में जो कि ऑल ओवर इंडिया में है उनको फायदा होगा, और गवर्नमेंट को एक सेटबैक होगा, और गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से गवर्नमेंट आगे चल के इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको सीरियसली उनको लेगी और इमीडिएट एक्शन लेगी। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है उसका। तो ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज का अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।